हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं सुंदर सा तोरण डिज़ाइन लेकर आई हूँ। नवरात्रि स्पेशल तोरण डिज़ाइन है, फूलों वाला है, कलरफुल फूलों से मैंने बनाया है। इस तरह से आपको कलरफुल ऊल लेना है। आप चाहे तो एक रंग भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ अलग अलग रंग के फ्लावर्स बनाए हैं, इस तरह से आपको बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी मैंने अच्छे अच्छे तोरण डिज़ाइन ऑलरेडी अपलोड किए हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने चार रंग लिए हैं, क्रीम, ग्रीन और वाइट और पीच कलर के लिए हैं। आपको ये देखिए इस तरह से फ्लावर बना लेना है। मैं सेंटर का पार्ट आपको बनाना दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्रीम ऊन लिए हैं। यहाँ पर मैंने सुई यूज़ करे हैं 3 mm के। देखिए मैंने क्रीम ऊन लिए, इस तरह का आपको फिंगर में रोल कर लेना है। टोटल आपको 18 टाइम्स रोल करना है, 18 टाइम्स इस तरह से सर्कल बना लेना है आपको। देखिए इस तरह से बना लेना है। वे आपको धीरे से आपको काटना है फिंगर में से। सूजन को हम अंदर डालेंगे सर्कल के। देखिए इस तरह से आपको सिंगल क्रोशेट लेना है। देखिए इस तरह से आपका सर्कल होगा। यहाँ पर बिहार राउंड में आपको सिंगल क्रोशेट लेते हुए जाना है। टोटल आपको सिंगल क्रोशेट 15 लेना है। आप काउंट करके ले लीजिएगा। टोटल 15 टाइम्स आपको सिंगल क्रोशेट बनाना है। पूरे सर्कल में आपको 15 टाइम्स बनाना है। इस तरह का आपको बना लेना है। बहुत ही सुंदर दिखता है ये डिज़ाइन, सिंपल भी है और बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। कलरफुल बनाएंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। इस तरह से आपको टोटल 15 टाइम्स बना लेना है। अब जहाँ पर मैंने स्टार्ट करे थे वहीं पे एक स्लिप स्टिच लगा के सर्कल को क्लोज कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको हाफ डबल क्रोशेट लेना है। देखिए इस तरह से सर्कल में डाल के आपको हाफ डबल क्रोशेट कर लेना है। इस तरह से आपको हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। हाफ डबल क्रोशेट आपके होने चाहिए 30 हाफ डबल क्रोशेट बना लीजिएगा। पूरे सर्कल में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बना के दिखाती हूँ, 30 हाफ डबल क्रोशेट लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल हाफ डबल क्रोशेट 30 बना लिए हैं। आपको इस तरह से बना लेना है। जहाँ पे मैंने स्टार्ट करे थे वहीं पे आपको एक स्लिप स्टिच लगा के राउंड को क्लोज कर लेना है और एक चेन लेकर धागे को कट कर लेना है। तो हमारा क्रीम का ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर सर्कल ये बचे हुए उनको आपको बैक साइड में लेके धागे में इस तरह से पास कर लेना है और बचे हुए उनको आपको कट कर लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह का राउंड आपका बनेगा। अब यहाँ पर आपकी मन पसंद कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीच कलर लिए हैं। पहले मैंने धागे को लॉक कर लिए, कहीं भी आपको अटैच कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर अटैच कर लिए हैं धागे को। अटैच करके एक चेन लेना है, एक हाफ डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशेट में आपको एक सिंगल क्रोशेट लेना है। फिर से एक चेन लेना है, नेक्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशेट स्किप करके दूसरे वाले हाफ डबल क्रोशेट में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से चेन लेना है, फिर से स्किप करना है हाफ डबल क्रोशेट। इसी तरह आपको पूरा करते हुए जाना है, एक एक स्किप करके लेना है आपको सिंगल क्रोशेट। देखिए पूरा मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। अभी जहाँ पे स्टार्ट करे थे वहीं पे आपको एक सिंगल क्रोशेट लगा के राउंड को क्लोज कर लेना है। एक चेन लेकर धागे को कट कर लेंगे। ये राउंड हमारा हो गया है कंप्लीट। अभी हम दूसरे राउंड में जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे ग्रीन वूल लेना है, ग्रीन वूल लेना है। यहाँ पर मैंने मेहंदी ग्रीन वूल लिए हैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कलर। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे मैंने एक चेन लिए थे वहीं पे आपको धागे को अटैच कर लेना है। जहाँ पे एक चेन लिए थे मैंने वहीं पे
अभी एक चेन लेकर हर एक एक चेन का गैप में आपको एक सिंगल क्रोशेट लगा लेना है। एक चेन लेंगे, फिर हर चेन के गैप एक एक जो मैंने बनाया था पीच कलर का चेन, उसी में आपको एक सिंगल क्रोशेट लेना है। एक चेन लेंगे, चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशेट बनेगा। इसी तरह आपका पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। एक चेन सिंगल क्रोशेट, देखिए यहाँ तक मैंने बना लिए हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड। अब यहाँ पर मैंने वाइट वूल लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा पेटल्स बनेगा, जहाँ पे एक चेन गैप है ग्रीन का, उसी में आपको धागे को अटैच कर लेना है। एक दो चेन लिए मैंने। अभी सेम उसी चेन गैप में आपको डबल क्रोशेट लेना है, पूरा नहीं लेना है, सिर्फ दो में काट के रुकना है। फिर से डबल क्रोशेट लेना है, दो में ही काट के फिर से स्टॉप होना है। देखिए इस तरह आपका तीन उल ये होगा स्टिचेस, इस तरह से आपको पूरे में काट लेना है। फिर नेक्स्ट वाले जो मैंने चेन लिए थे ग्रीन के, उसी में एक सिंगल क्रोशेट लगा लेना है। उसी में आपको गैप में सिंगल क्रोशेट लगाना है। फिर से आपको चेन लेना है, एक दो तीन चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे, दो में काटेंगे और स्टॉप करेंगे। फिर से डबल क्रोशेट लेना है, दो में काटेंगे फिर स्टॉप करेंगे। इस तरह का तीन आपका होगा, इस तरह से आपको पूरे में काट लेना है। फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट लगाएंगे। फिर से आपको चेन लेना है, तीन चेन ले लीजिएगा। फिर से आपको डबल क्रोशेट बनाना है, पूरे में नहीं काटना है, दो में काट के स्टॉप करना है। फिर डबल क्रोशेट बनाएंगे, पूरे में नहीं काटना है, फिर आखिरी को आपको पूरे में काट लेना है। आप देखकर बना लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको दिखाया है और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। इस तरह से आपको बना लेना है फ्रेंड्स। हर राउंड में आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यह हमारा राउंड पूरा सेम ही होगा, इस तरह का आपको पूरा पेटल इसी प्रोसीजर में फॉलो कर लेना है। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिए, जहाँ पे मैंने स्टार्ट करे थे वहीं पे आपको एक सिंगल क्रोशेट लेके एक चेन लेकर धागे को कट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए इस तरह का आपका फ्लावर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमें आउटलाइन देना है। देखिए जो सेंटर में मैंने पीच कलर लिए थे वही आपको ऊपर लेना है। धागे को लॉक कर लेंगे हम। देखिए जहाँ पे दो पेटल्स के गैप है, जो वाइट पेटल्स के गैप है दो, दोनों के बीच में आपको धागे को जोड़ लेना है। धागे को जोड़ लेंगे, एक दो तीन चेन लेकर सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट लगाना है। लगा लिए, फिर नेक्स्ट दो पेटल्स के गैप में एक स्लिप स्टिच लगाना है आपको। ये देखिए इस तरह से, फिर से एक दो तीन चेन लेंगे, फिर से आपको सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर नेक्स्ट वाले दो पेटल के बीचों बीच एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। फिर से तीन चेन लेना है, फिर से एक डबल क्रोशेट लगाना है सेम जगह पे। फिर से नेक्स्ट वाले दो पेटल के गैप में स्लिप स्टिच। ये प्रोसीजर आपको इसी वे में पूरा फॉलो कर लेना है। यहाँ तक बना लीजिएगा फ्रेंड। देखिए मैंने यहाँ पर बना लिए हैं ऑलरेडी, इस टाइप में आपको बना लेना है। पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर कंप्लीट कर लेना, देखिए पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा के एक चेन लेकर धागे को कट कर लिए है मैंने। अब मैं आपको यहाँ पर लीव्स बनाना दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने मेहंदी ग्रीन वूल लिए हैं, इस टाइप के लीव्स आपको बना लेना है। बहुत ही आसान तरीका है ये लीव्स बनाना, अपने हिसाब से वूल ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर मेहंदी ग्रीन वूल लिए हैं, आपको बनाना दिखाऊंगी। ये देखिए ये इतना पार्ट धागा आपको छोड़ना है, छोड़ के देखिए इस तरह से आपको एक धागे को लॉक करके चार चेन लेना है। चार चेन के बाद में जो फर्स्ट वाले चेन है उसी में आपको एक डबल क्रोशेट लगा लेना है। उसके ऊपर फिर से तीन चेन लेना है,
जो सर्कल में आपको डबल क्रोशेट बना लेना है। देखिए इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल आपको 12 चेन बनाना है। देखिए नेक्स्ट वाले चेन में आपको एक सिंगल क्रोशेट लगाना है, दूसरे वाली चेन में आपको एक हाफ डबल क्रोशेट लगाना है, तीसरे वाले में एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशेट बनाना है, तीन बार लेंगे। देखिए इस तरह से आपका तीन बार आएगा। तो पहले एक में काटेंगे, दो में, फिर दो में, फिर बचे हुए दो में, ये हमारा ट्रिपल क्रोशेट है। इसी तरह आपको ट्रिपल क्रोशेट टोटल आपको 5 बनाना है, दो हो गए, तीन हो गए, ट्रिपल क्रोशेट सेम बनाना है, दो में, दो में और दो में। इसी तरह आपको टोटल 5 टाइम्स ट्रिपल क्रोशेट बनाना है, 4 और 5। देखिए 5 टाइम्स मैंने ट्रिपल क्रोशेट बना लिया। अभी सेम आपको ये यहाँ पर रिपीट करना है, पहले डबल क्रोशेट बनाएंगे, बाद में हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, बाद में लास्ट का एक चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए इस तरह से आपको लीव्स रेडी कर लेना है। इस तरह से सेम आपको और एक लीव्स बनाना है, सेम प्रोसीजर है जो मैंने अभी दिखाया था। 12 चेन लेंगे, 12 चेन लेना है, 12 चेन लेकर नेक्स्ट चेन में आपको एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है, सिंगल क्रोशेट बना लीजिएगा। नेक्स्ट वाले चेन में एक हाफ डबल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट, फिर अभी TR बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशेट, 5 बनाना है TR। एक हो गए हमारे ट्रिपल क्रोशेट, दो हो गए, इसी तरह आपको टोटल 5 ट्रिपल क्रोशेट बना लेना है, 5 ट्रिपल क्रोशेट बना लीजिएगा। फाइव ट्रिपल क्रोशेट बना के सेम हमें रिपीट करना है डबल क्रोशेट, ये वाला आपको यहाँ पर रिपीट करना है, एक डबल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट और एक सिंगल क्रोशेट। ये प्रोसीजर आपको रिपीट कर लेना है, यहाँ पर भी लास्ट का एक सिंगल क्रोशेट। देखिए इस तरह से आपका दो लीव्स बन गए हैं। अब यहाँ पर हमें आगे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से आपको स्लिप स्टिच लगा के जोड़ लेना है दोनों पेटल्स को। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू करना है, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट वाले गैप में आपको एक सिंगल क्रोशेट, फिर से एक चेन लेंगे, नेक्स्ट वाले गैप में एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह आपको पूरे राउंड को सेम बनाना है, एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह आपको पूरे लीव्स को कवर कर लेना है। यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह का शेप आपको देना है लीव का। फिर से आपको यहाँ पे एक चेन लेकर सेंटर में सिंगल क्रोशेट लगा लिए। अभी आपको इस तरह से सेंटर में जो सिंगल क्रोशेट लगा के जोड़ना है, बैक साइड का जो मैंने बनाया था उसी को आपको जोड़ लेना है टाइटली। अब यहाँ पर आपको सेम बनाना है, एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट, पूरे लीव्स को आपको इसी तरह यहाँ तक बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें ये धागे को आधा साइड में लेकर आना है, सेंटर में हम एक स्टिच करेंगे। देखिए सेंटर में इस तरह से लेकर धागे को हमें बैक साइड से फ्रंट साइड को एक हाफ डबल क्रोशेट में इस तरह से बनाएंगे। इस तरह का आपका शेप बनेगा। देखिए इस तरह से अभी इसे हमें जॉइंट कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर सूजन को डाले हैं, यहाँ पर जो पीछे हमारे
मैंने बनाए थे वो 3 चेन लेकर, वही उसी को आपको लीव्स को अटैच कर लेना है। इस तरह से आपको अटैच कर लेना होगा। अब हम अदर साइड में धागे को लेकर टर्न करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको टर्न करके सेंटर में इस तरह से धागे को डाल के अब यहाँ पर हमें चेन बना लेना है। देखिए, इस तरह से स्ट्रेटली आपका होगा। यहाँ पर मुझे टोटल 15 चेन बनाना है। आपको स्टीम ज़्यादा बड़ा चाहिए तो बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 15 ही चेन बनाए हैं। बना लीजिएगा। अभी इसे टर्न करेंगे हम बैक साइड में। ये हमारा बैक साइड है लीफ का। यहाँ पर हमें धागे को लॉक कर लेना है सिंगल क्रोशेट के साथ। एक चेन लेकर हमें कट कर लेंगे धागे को। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लीव रेडी हो गया है। यहाँ पर इस तरह का आपको बना लेना है। लीव को हम फ्लावर के साथ जोड़ लेंगे। देखिए, इस तरह से बैक साइड में हमारा जो मैंने 3 चेन और डबल क्रोशेट बनाए थे वो हमें इस तरह से जो मैंने धागे छोड़े हैं उसी में से आपको अटैच कर लेना है। लीफ को मैंने यहाँ पर सिलाई कर लेना है सुई और धागे की मदद से। देखिए, सुई और धागे की मदद से आपको यहाँ पर अटैच कर लेना है। जो मैंने एक्स्ट्रा धागा छोड़े थे उसी को आपको लेकर अटैच कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पर सिला लिए इस तरह से। स्टेम को आपको इस तरह सिला लेना है को पूरा इस तरह बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आपका फ्लावर दिखेगा। सेम इसी तरह आपको कलरफुल पेटल्स बना लेने हैं। आप अपने हिसाब से कलर ले लीजिएगा। इस तरह का मैंने पेटल्स बना लिए हैं। बहुत ही सुंदर है। नवरात्रि स्पेशल तोरण है, कलरफुल होने चाहिए, इसलिए मैंने कलर कलर के ऊल से मैंने फ्लावर बनाए हैं। इस तरह से आपको पूरा बना लेना है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप भी इसे ज़रूर बनाए लीजिएगा फ्रेंड्स। पूरा मैं अटैच करना बताती हूँ लास्ट को। अब यहाँ पर मैं पट्टी बनाना दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर मैंने टोटल 17 चेन लेने हैं। 17 ले लीजिएगा चेन। 17 चेन लेकर 3 चेन स्किप करिएगा। तो 3 चेन स्किप करके 14th वाले चेन में आपको एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह आपको पूरा डबल क्रोशेट बनाते हुए जाना है। इस राउंड में आपके डबल क्रोशेट होने चाहिए 15 डबल क्रोशेट होने चाहिए। देखिए, मैंने बना लिए हैं। 15 होने चाहिए आपके डबल क्रोशेट। यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे। चेन लेकर टर्न करिएगा। देखिए, 1 और 2 डबल क्रोशेट स्किप करके उसके सेंटर में आपको एक डबल क्रोशेट बनाना है। 2 डबल क्रोशेट सेम जगह पे, फिर से 2 चेन लेंगे सेंटर में, फिर से सेम जगह पे, फिर 2 डबल क्रोशेट लगाना है। देखिए, इस तरह से 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट, ये प्रोसीजर है आपका। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे, आगे के 2 डबल क्रोशेट हम स्किप करके 3rd वाले डबल क्रोशेट में 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट, 6 डबल क्रोशेट, 7, टोटल आपको 7 डबल क्रोशेट लगा लेना है सेंटर में। फिर से आपको यहाँ पर 2 चेन लेना है। 2 चेन लेकर 2 डबल क्रोशेट स्किप करना है। 2 डबल क्रोशेट स्किप करके उसके सेंटर में बीचों बीच आपको 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट, यही हमारा पूरे राउंड में सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। इसी तरह आपका आपको पूरा बेल्ट कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। पट्टी बहुत ही इजी है बनाना।
ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए इस तरह से आपको पूरा बेल्ट बना लेना है। अब तीन चेन लेकर पलटेंगे हम, जहाँ पे मैंने दो चेन का गैप बनाया है उसी में आपको दो डबल क्रोशेट, दो चेन, दो डबल क्रोशेट बना लीजिएगा। फिर से आपको दो चेन लेना है। अभी जो मैंने डबल क्रोशेट बनाए थे सेंटर में 7 डबल क्रोशेट, उसके ऊपर सेम 7 डबल क्रोशेट बना लेना है। सेम बनाना है फ्रेंड, 7 डबल क्रोशेट। सेम प्रोसीजर है, फॉलो करना है आपको। फिर से दो चेन लेंगे, जहाँ पे दो चेन का गैप है उसी में आपको दो डबल क्रोशेट, दो चेन, दो डबल क्रोशेट। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह आपको पूरा बनाते हुए जाना है। अब टर्न करेंगे तीन चेन के साथ, फिर से सेम दो डबल क्रोशेट, दो चेन, दो डबल क्रोशेट। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है फ्रेंड्स। और भी मैंने अच्छे अच्छे तोरण डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट जाकर चेक करिएगा। देखिए दो चेन लेकर मैंने 7 डबल क्रोशेट के ऊपर 7 डबल क्रोशेट बना लेना है। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। फिर से दो चेन लेंगे, दो डबल क्रोशेट, दो चेन, दो डबल क्रोशेट। सेम प्रोसीजर है, फॉलो कर ले लीजिएगा। इस तरह से आपको पूरा तोरण पट्टी कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको दिखाया है, बिगिनर्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का आपको पूरा बेल्ट बना लेना है। आपके डोर के हिसाब से आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। आपको पूरा बना के दिखाती हूँ यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे बना लिए हैं यहाँ पर। टोटल मैंने यहाँ पर 26 इंच के बनाए हैं। आप अपने डोर के हिसाब से बना लीजिएगा। इस तरह से आपको पूरा अपना बेल्ट बना लेना है। देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से जोड़ना है। पूरे फ्लावर्स को आपको सुई और धागे की मदद से सिलाई कर लेना है। बहुत ही अच्छा दिखता है। इस तरह से आपको पूरा सिलाई कर लेना है तोरण को। मैं आपको पूरा कंप्लीट करके सिला के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पूरा तोरण बना लिए हैं। मैंने सेंटर में यहाँ पर पट्टी पे एक एक बीट्स लगाए हैं। यहाँ पे दो मैंने स्किप करे हैं, फिर से एक बीट्स, इसी तरह आपको दो दो लाइन स्किप करके एक एक पर्ल्स लगाए हैं 6 mm के बीट्स। यहाँ पे देखिए स्टीम मैंने यहाँ पर ऊपर की ओर रख के यहाँ बैक साइड से मैंने इसे सिला लिए हैं। तरह से आपको सिला लेना है स्टीम को। और यहाँ पे पत्ते को मैंने, लीव्स को, दोनों लीव्स को मैंने स्टिच कर लिए हैं बेल्ट के साथ, ताकि वो हिले ना। इस तरह से पेटल्स भी मैंने लीव से जोड़ लिए हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं। इस तरह से स्टिच कर लेना है तो आपका देखिए फ्लावर सेम इसी तरह रुकेगा, हिलेगा नहीं। इस तरह से आपको बना लेना है। सेंटर में दो स्किप करके फिर से मैंने और एक फ्लावर को जोड़ लिए हैं। सेम आपको इसी तरह फ्लावर को जोड़ लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको सेंटर में एक बीट्स लगा लेना है। मैंने पिंक वाले 8 mm के बीट्स लगाए हैं सेंटर में। इसी तरह आपको जोड़ने का प्रोसीजर पूरा आपका सेम ही होगा पेटल्स का। इस तरह से आपको पूरा बना लेना है। बहुत ही सिंपल और यूनिक डिज़ाइन है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का आपका तोरण दिखेगा पूरे। अब बना लोगे तब
इस तरह से आपको पूरा बना लेना है। बहुत ही सुंदर और यूनिक डिज़ाइन है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। इसी तरह आपके लिए मैं और सुंदर सुंदर तोरण डिज़ाइन लेकर आती रहूँगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।